अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी फूड लैब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, एग फ्राइड राइस। ये यूनिवर्सल एग फ्राइड राइस है, इन्हें आप किसी भी चाइनीज़ ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये सबके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलें आइए इनको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने डाला है हाफ कप ऑयल। हाफ कप ऑयल लेंगे हम पैन में और इसे अच्छे तरीके से हम गर्म कर लेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, सिर्फ हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब यहाँ पे लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आए हमारे राइस के अंदर। अभी देखें इस स्टेज पे जहाँ पे हमारा जो गार्लिक है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं अंडे 2 अदद जो कि मैंने बीट कर लिए थे अच्छे तरीके से। बीट हुए हुए एग हम इसके अंदर डाल देंगे और उसे यहाँ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एग्स को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर स्क्रैम्बल कर लेना है क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्रेक हुआ हुआ एग चाहिए, बिल्कुल मोटा मोटा नहीं चाहिए। यहाँ पैन के अंदर ही आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रैम्बल कर देंगे। यहाँ देखें हमारा एग जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैरेट 1 कप। ये मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर ली थी, इसी तरीके से हम इसके अंदर कैरेट ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ये 1 pan fried rice है, इसमें आपको एग अलग से नहीं बनाना पड़ता, कोई भी चीज़ आपको अलग से नहीं बनानी पड़ती, एक ही पैन में आप सारा कुछ असेंबल कर लेते हैं और बहुत ही क्विकली और बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं। अब ये देखिए हमारी कैरेट है फ्राई हो गई है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च 1 कप और शिमला मिर्च के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी, वो भी 1 कप। अब इसको बस एक बार हम हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि वेजिटेबल्स और एग्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखें एक क्विक सा स्टर इसको देंगे यहाँ पर। अब यहाँ इस स्टेज पे जब हमारे सारे वेजिटेबल और एग अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बॉयल हुए हुए राइस यानी कि उबले हुए चावल 4 कप। आपके पास लेफ्ट ओवर राइस पड़े हों और आपको समझ ना आ रही हो कि उनका क्या करना है तो उनके लिए तो ये बेस्ट डिश है, आप ये बनाइए, बहुत मज़े की बनती है। राइस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सीजनिंग्स, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, फिर इसमें जाएगा व्हाइट पेपर 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाइनीज सॉल्ट 1 टीस्पून, फिर इसमें जाएगा नमक वो आपके जायके के हिसाब से, और उसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च 1 टीस्पून। अब ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अपने राइस को, अपने स्पाइसेस को, वेजिटेबल्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आपके पास राइस पड़े हुए हैं, आपके पास वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम अब इसका क्या करें, तो आप ये राइस बनाएं और ये बहुत ही यमी बनते हैं, बिना किसी ग्रेवी के भी आप खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके साथ मैं आपको चाइनीज़ ग्रेवीज बनानी भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये यूनिवर्सल राइस हैं, आप यही राइस उनके साथ बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब ये देखें अच्छे तरीके से हमारे राइस और वेजिटेबल्स मिक्स हो चुके हैं, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन 1 कप्स यानी कि हरा प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप। सिर्फ उसका ग्रीन वाला पोर्शन हमने ऐड करना है और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए राइस हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, हर चीज़ एक ही पैन में हमने असेंबल कर ली, कुछ भी अलग से नहीं बनाना पड़ा, एग अलग से नहीं बनाना पड़ा
और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इतनी अच्छी शक्ल इनकी आई है, खिले खिले राइस हैं, खिली खिली वेजिटेबल्स हैं, राइस आपस में चिपके हुए नहीं हैं, टूटे हुए नहीं हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त है, हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मंचूरियन के साथ, शाशलिक के साथ, ब्लैक पेपर चिकन के साथ, हर ग्रेवी के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके साथ कौन सी ग्रेवी सीखना चाहते हैं। मैं आपको वो इंशाल्लाह ज़रूर बनानी सिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।